हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में और मौर्यन एम्पायर के किंग्स के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। मौर्यन एम्पायर हिंदुस्तानी जमीन पर जितने भी बड़े एम्पायर इस्टेब्लिश हुए, इन बड़े एम्पायरों में से एक एम्पायर है और ये पहला एम्पायर है। इसके जो पहले रूलर हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्या, जिन्होंने पूरे इंडिया को यूनिफाई किया। इनके एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था कौटिल्य चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, जिससे हमको पता चलता है मौर्यन के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। मेगास्थनीज जो एक ग्रीक एम्बेसेटर है, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। बुक तो लॉस्ट हो गई, लेकिन उसके कुछ टुकड़े हमें मिलते हैं जो बाद के ग्रीक राइटर्स थे उनके जरिए। लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है मौर्यन के बारे में पता करने के लिए, वो है इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 323 to 300 BC। बुद्धिस्ट सोर्स से पता चलता है, वो सोर्स है महावामसा एंड दीपावामसा के चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्षेत्रीय क्लैन, एक क्षेत्रीय क्लैन है शक्यास, जिनका एक ब्रांच है मौर्यास, जिनसे जिनके ये डिसेंडेंट है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये पिपहालीवाना ईस्टर्न यूपी से हैं। इनकी 6 लाख की आर्मी हुआ करती थी। विशाखा दत्ता जिन्होंने एक प्ले लिखा, उसका नाम था मुद्रा रक्षा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषाला एंड कुलाहीना जैसे टर्म यूज किए गए, जिसका मीनिंग है पर्सन ऑफ हम्बल ओरिजिन। ये चाणक्य के स्टूडेंट थे, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य जिनको चाणक्य ने टक्सिला में एजुकेट किया, जो वो उस टाइम का ग्रेट लर्निंग सेंटर हुआ करता था। अलेक्जेंडर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कॉन्टेम्परेरी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो अलेक्जेंडर का ईस्टर्न पार्ट एम्पायर है, जिसको सक्सीड किया था ग्रीक क्षत्राप सेलेकस ने, इनसे फाइट हुई चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर बहुत ही बड़ा था, अफगानिस्तान वेस्ट से लेके ईस्ट में आसाम तक और नॉर्थ में कश्मीर से लेके साउथ में कर्नाटका तक एक्सेप्ट कलिंगा। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है जिनसे इनके बारे में पता चलता है। इन्होंने लगभग 24 साल तक हुकूमत की रूल किया। एक इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रामान, इससे बारे में पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रोविंशियल गवर्नर थे जिनका नाम था पुष्यगुप्ता। इन्होंने एग्रीकल्चर यूज के लिए एक डैम बनाया था, कहाँ पे? सुदर्शना लेक, जो गिरनार के नजदीक है काठियावाड़ में। दूसरा इंस्क्रिप्शन है सकंद गुप्ता का, जिससे ये पता चलता है कि यही डैम 800 साल के बाद रिपेयर हुआ। चेन ट्रेडिशन से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने राजपाट छोड़ दिया था और उनके एक टीचर थे, गुरु थे भद्र बहु, जिनके साथ वो कर्नाटका में सर्वना बेला गोला नाम की जगह है कर्नाटका में, वहाँ चले गए थे। लोकल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है जो लेटर पीरियड के हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी लाइफ एज अ डिवोटी गिव अप कर दी थी, और जो जैन एक ट्रेडिशन है जिसमें वो लोग फास्ट रख के तब तक नहीं खाते जब तक उनकी जान ना निकल जाए, इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जान दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं बिंदुसारा 300 से लेके 273 BC, इनके बड़े बेटे जिनका नाम है सुमाना या सुसीमा, ये टक्सिला के वॉइस रॉय थे, और बिंदुसारा के दूसरे बेटे अशोका जो उज्जैन के वॉइस रॉय थे। टक्सिला में एक बार रिवॉल्ट हुआ जिसको ये सुमाना ने सप्रेस नहीं कर पाया, तो अशोका को वहाँ पे भेजा गया कि वो टक्सिला में पीस रिस्टोर कर सके। बिंदुसारा के टाइम पे एक फॉरेन एम्बेसेडर आए थे जिनका नाम था पटोलमी फिलाडेल्फस, ये इजिप्ट के डायोनसियस के एम्बेसेडर थे।
थे। इसके बाद आता है अशोका का टाइम, अशोका 273 टू 232 बीसी। बुद्धिस्ट सोर्स से पता चलता है कि अशोका की जो माँ थी वो जनापदा कल्याणी थी, या सुभाद्रंगी भी कहा जा सकता है। शुरुआती दिनों में अशोका बहुत ही क्रूअल थे, क्योंकि उन्होंने थ्रोन के लिए, ताज के लिए अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था, ये बुद्धिस्ट सोर्स से पता चलता है। एज अ प्रिंस, एक प्रिंस होते हुए उन्होंने उज्जैन और तक्षशिला को सर्व किया। अशोका ने लगभग 40 ईयर्स तक रूल किया, और ये पहले किंग है जिन्होंने अपना रिकॉर्ड स्टोन पर इंग्रेव करवाया, यानी स्टोन पर, पत्थरों पर खुदवाया। इनके जो इंस्क्रिप्शन है वो टू टाइप्स के हैं, एक तो रॉक एडिक्स है, दूसरा पिलर एडिक्स है। और ये एडिक्स पाए जाते हैं नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो लगभग टोटल 47 प्लेसेस पे पाए जाते हैं। अच्छा, अशोका ये नाम हमें जो मिलता है वो माइनर रॉक एडिक्स पे मिलता है, और बहुत सारी जगह पे नहीं मिलता है, बल्कि तीन जगह जो कर्नाटका में मिली है और एक जगह जो एमपी में, मध्य प्रदेश में मिली है। बाकी जो इंस्क्रिप्शन है उन पे इनका नाम जो मिलता है वो देवा नाम पिया, यानी बिलव्ड ऑफ गॉड, एंड पिया दासी, जिसका मीनिंग है प्लेजेंट टू बी होल्ड। और जो ये इंस्क्रिप्शन है ये जनरली एंशियंट हाईवेज पे लोकेटेड थे, और ये चार डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। जो अफगानिस्तान में मिला है वो ग्रीक में लिखा है और अरामाइक में लिखा है, और जो पाकिस्तान में मिला है वो प्राकृत एंड खरोस्ती में लिखा है। इसके अलावा बाकी जो एडिक्स हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में है, लेकिन उनकी जो स्क्रिप्ट है वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कलिंगा वॉर की। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी कमी या कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक दीजिए, और आपको लगता है ये वीडियो वैल्यूबल है तो आपके जो दूसरे एस्पायरेंट है, जो दूसरे कैंडिडेट हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।